दिल्ली एनसीआर में कल दोपहर से लगातार हो रही है बारिश, तापमान में गिरावट आने से पड़ी ठंड। पौली में बर्फबारी होने से तापमान में आई गिरावट, धीरे धीरे बढ़ने लगी पर्यटकों की संख्या, लोग ले रहे हैं स्कीइंग का आनंद। राजस्थान में हुई बारिश और ओलावृष्टि से जहां एक ओर ठंड का सितम बढ़ गया है तो वहीं दूसरी तरफ बर्बाद हुई किसानों की फसल। उत्तराखंड में बदल सकता है मौसम का मिजाज, मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में जताई बारिश और बर्फबारी की संभावना। राजस्थान के पुष्कर में दो घंटे लगातार हुई बारिश, सड़कों पर भर गया तालाब। आज श्रीनगर में होगा भारत जोड़ो यात्रा का समापन समारोह, सुबह 10 बजे शुरू होंगे कार्यक्रम। कांग्रेस की विचारधारा से मेल खाती 14 पार्टियों के कार्यक्रम शामिल होने की उम्मीद। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस कार्यालय में भारत जोड़ो यात्रा मेमोरियल का होगा उद्घाटन, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। एमए रोड के कांग्रेस पार्टी मुख्यालय में फहराया जाएगा तिरंगा। राहुल गांधी ने चुनौतीपूर्ण अंदाज में कहा कि अगर जम्मू कश्मीर में हालात स्थिर हैं तो गृहमंत्री अमित शाह लाल किले चौक से जम्मू तक यात्रा करके दिखाएं। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था बहाल होने का दावा करती है लेकिन सुरक्षा बलों की बातों से लगता नहीं है कि हालात सामान्य हैं। 31 जनवरी को पेश होने वाले आम बजट से पहले केंद्र सरकार ने आज दोपहर 12 बजे संसद में बुलाई सर्वदलीय बैठक। केंद्र सरकार विपक्षी दलों के साथ गंभीर मुद्दों पर करेगी चर्चा। फ्लोर सहयोग की रणनीति बनाने के लिए एनडीए के फ्लोर नेताओं की एक बैठक भी दोपहर में होगी आयोजित, बजट सत्र दो भागों में होगा। सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी। सत्र का पहला भाग 30 जनवरी से शुरू होगा और 13 फरवरी तक चलेगा। राजौरी बॉर्डर एरिया की रहने वाली 5 लड़कियों का कश्मीर प्रशासनिक सेवा में हुआ चयन। अनूपपुर में आयोजित जनसेवा अभियान में पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा मैं राजा नहीं जनता का सेवक। तमिलनाडु के त्रिची में पारंपरिक खेल जलीकट्टू का हुआ आयोजन, छतों पर चढ़कर खेल का आनंद लेते नजर आए लोग। बांदे में पुलिस ने पेश की मानवता की मिसाल, रास्ता सकरा होने के चलते पुलिस मरीज को खटिया पर उठाकर ले गए अस्पताल। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 110 लाख लीटर यूजीआर बूस्टर पंपिंग स्टेशन का किया उद्घाटन। औरंगाबाद में संत समागम में पहुंचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, संतों का लिया आशीर्वाद, का मानव जाति के कल्याण पर विचार करता है संत समाज। बेंगलुरु में टीडीपी नेता नंदमुरी तारक रत्न को गाड़ी का अरेस्ट आने के बाद नारायण हार्ट हॉस्पिटल किया गया भर्ती, मिलने पहुंचे हेल्थ मिनिस्टर सुधाकर और एक्टर जूनियर एटीआर। अगरतला में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने समर्थकों के साथ सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात का कार्यक्रम, फिर स्थानीय लोगों से बातचीत की। हुगली में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में लग गई आग, पार्टी पदाधिकारियों ने पुलिस से की मामले की जांच की मांग। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पहुंच सकती है मोतिहारी, हरकत में आया प्रशासन। नवी मुंबई में लकड़ी के कारखाने में लग गई भयंकर आग, आग पर काबू पाने में जुटी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। गुजरात में जूनियर क्लर्क के एग्जाम के पेपर लीक मामले में पुलिस ने 15 लोगों को किया गिरफ्तार, जिसमें से 5 गुजरात के तो 10 दूसरे प्रदेशों के। नासिक में देवलाली और देवलाली फील्ड ऑफ फायरिंग रेंज में स्कूल ऑफ आर्टिलरी ने वार्षिक गोलाबारी प्रदर्शन और आर्टिलरी रेजिमेंट के प्रशिक्षण अभ्यास का किया आयोजन। हापुड़ में रेल बनाने के लिए पुलिस थाने में बैठकर हुक्का पीने वाले युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बरेली में लग्जरी कार से हथियार लहराया और हूटर बजाना, दो युवकों को पड़ गया भारी, पुलिस ने दोनों को किया गिरफ्तार। हैदराबाद में स्टार्टअप 20X की स्थापना बैठक में हुआ लॉन्च, नए उद्यमियों के लिए खुलेंगे नए रास्ते।
कोयम्बटूर में फ्रांस से 8000 किलोमीटर साइकिल चलाकर पिता पहुंची नथाली मस्से। कोलकाता में दी स्टेटमेंट्स विंटेज और क्लासिक गाड़ियों की आयोजित हुई रैली। मंगलुरु में आयोजित ओकली फेस्टिवल में हजारों की संख्या में भक्तों ने दिया हजार रंग, खेलते और मौज मस्ती करते नजर आए लोग। धौलपुर के ग्रामीण क्षेत्र में हर घर शिक्षा घर घर शिक्षा टीम के आयोजित कार्यक्रम, अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजने का कहा गया। भारत की बेटियों ने किया कमाल, अंडर 19 टी20 वर्ल्ड कप जीता, फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेटों से हराया। भारत की सौम्या तिवारी ने लगाया विनिंग शॉट, सौम्या ने 37 गेंदों में 24 रन ठोके। भारत की ओर से गुंगडी त्रिशा ने भी बनाए 24 रन, वहीं कप्तान शेफाली वर्मा 15 रन बनाकर हुई आउट। इंग्लैंड की कप्तान ग्रेस और राहना ने एक एक विकेट लिया, वहीं एलेक्सा ने खतरनाक दिख रही गुंगडी त्रिशा को किया बोल्ड। भारत की शानदार गेंदबाजी, अर्चना देवी पार्श्वी चोपड़ा और टिटास ने 2-2 विकेट लिए। मनोज कश्यप सोनम यादव और शेफाली वर्मा को मिला 1-1 विकेट। इंग्लैंड में सिर्फ 4 बल्लेबाज ने ही दहाई का आंकड़ा छुआ। इंग्लैंड के लिए रायना ने सबसे ज्यादा 19 रन बनाए, वहीं एलेक्स और रासूफिया ने बनाए 11 रन। इंग्लैंड के 3 बल्लेबाज नहीं खोल पाए खाता, पवेलियन में तोड़ी इंग्लैंड के बल्लेबाजों की कमर। इंडिया विमेन टीम किसी भी लेवल पर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है, जूनियर लेवल पर आईसीसी ने पहली बार वर्ल्ड कप आयोजित कराया। बीसीसीआई ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा। लखनऊ में खेले गए दूसरे टी20 मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 6 विकेटों से हराया, सीरीज में बराबरी की। न्यूजीलैंड ने दिया था 100 रनों का टारगेट, भारतीय गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। भारत की ओर से सबसे ज्यादा विकेटदार शदीप को मिले महज 7 रन देकर चटका 2 विकेट। भारतीय फिर की गेंदबाजी में फंस गए कीवी बल्लेबाज, सभी स्पिनों में चटका विकेट। न्यूजीलैंड के 5 बल्लेबाज कर सकते हैं दहाई की संख्या पार, में शेल ने बनाए सबसे ज्यादा 19 रन। नई दिल्ली के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी, इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस जनरल अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद। घुड़सवार अंगरक्षक। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट साबा इस बार बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में शामिल हुए। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में सेना, नौसेना, वायुसेना, राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के संगीत बैंड ने राष्ट्रपति के सामने 29 शास्त्रीय धुनें बजाए। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का हुआ समापन। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हर साल 29 जनवरी को राजधानी के विजय चौक पर बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी का आयोजन होता है। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी को सेना की वापसी का प्रतीक माना जाता है। समारोह की शुरुआत अग्निवीर धुन के साथ हुई। नवल बैंड ने एकला चलोरी और तमाम धुनों पर प्रस्तुति दी। विजय चौक पर देखी शक्ति और समृद्धि की झलक, रंग बिरंगी लाइट से सराबोर हुआ कर्तव्य पथ। मौके पर दिल्ली की सभी प्रमुख इमारतें रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हो गई। तीनों सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति सेना से बैंड को ले जाने की अनुमति उन्होंने मांगी, अनुमति मिलते ही बैंड स्थल से हुए रवाना। भारत के अलावा ब्रिटेन, कनाडा, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है। भारत में इसकी शुरुआत 1950 के दशक से हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों को नसीहत दी, लोगों को बीच जाकर सरकार की योजना गिना। G20 की अध्यक्षता पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये हमारे लिए बड़ी बात है, उसे भी जनता को बताएं। चंडीगढ़ में G20 इंडिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय कार्यकारी समूह की बैठक 30 जनवरी से शुरू होगी।
उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री नब किशोर दास ने रविवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उन्हें दोपहर 1 बजे भर्ती कराया गया। दास को सीने में लगी थी 2 गोली, जिसके चलते उन्हें एयरलिफ्ट कराया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में राष्ट्र को किया संबोधित। साल 2023 में यह कार्यक्रम का पहला एपिसोड। प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में नए साल का किया जिक्र। कहा, नया साल अपने साथ खुशियां और सौगात लेकर आता है। हेल्थ को लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी ने रखी मन की बात। कहा, मोटा अनाज और योग दोनों स्वास्थ्य के लिए जरूरी। योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जनजातीय समुदाय के लोगों को मिले पद्म पुरस्कारों पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही बात। इनके जीवन से लोगों को प्रेरणा मिलनी चाहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाने पर मोहसिन रजा का पलटवार। कहा, अखिलेश यादव ने दिखा दिया कि वो इस साजिश का हिस्सा है। को जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा और पूर्व में यह कहा गया कि वो उनके निजी बयान है, तो इससे साफ हो जाता है कि आपको इसी विचारधारा के लोग पसंद हैं। एमयू में वीर सावरकर की प्रतिमा स्थापित करने आ रहे हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ता। पुलिस ने टोल प्लाजा पर रोक दिया। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा, जिन्ना की तस्वीर भारत में रहने का क्या मतलब है। हिंदू सेना ने बीबीसी ऑफिस के बाहर बोर्ड लगाए। बोर्ड पर लिखा, बीबीसी देश के लिए खतरा, इसे बैन करो। करनाल में कांग्रेस कार्यकर्ता वेल रोको आंदोलन करने वाले थे, लेकिन बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस बल ने कार्यकर्ताओं को वहीं से रोक दिया। अमृतसर में किसान मजदूर संघर्ष समिति के प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर अड़े। मोगा में भी किसानों ने रेलवे ट्रैक का किया जाम। केंद्र सरकार पर किसानों से वायदा खिलाफी का लगाया आरोप। ठाणे में एनसीपी नेता जितेंद्र अवहाड़ ने ट्वीट करके आरोप लगाया। कहा, हमारे नगर सेवकों को 1 करोड़ रुपए का लालच देकर पार्टी बदलने के लिए कह रहे। अयोध्या में अपने हाथ काटने वाले समाजसेवी सेवी विमल मंडल का भ्रष्टाचार पर धरना। जोशीमठ में बदल गया मौसम का मिजाज, बर्फबारी के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। देहरादून में मौसम का बदल गया मिजाज, मौसम विभाग ने ओलावृष्टि सहित बारिश की संभावनाएं जताई। फतेहपुर शेखावटी इलाके में सुबह से हो रही बारिश, किसानों के चेहरे के लिए तापमान में गिरावट। साउथ दिल्ली में फिर लौटी ठंड, हल्के बारिश के चलते सर्द हवाएं। भीलवाड़ा में मावट से किसानों के चेहरे मुरझा गए, ओलावृष्टि ने चिंता बढ़ाई, कई इलाकों में फसलें बर्बाद। नेपाल ने 2 शालिग्राम शिला भेजी। अयोध्या श्रीराम और जानकी की मूर्तियों का होगा निर्माण। नेपाल से अयोध्या के राम मंदिर जाने वाली 2 विशाल पत्थरों को पूजा अर्चना और सोमवार को यात्रा के जरिए भारत में करेगी प्रवेश। बेगूसराय में भारत नेपाल मैत्री को लेकर 31 सदस्यीय साइकिल यात्रा 500 किलोमीटर की तय करेंगे दूरी। महेंद्रगढ़ में बंजर जमीन में स्ट्रॉबेरी की खेती पर लाखों रुपए कमा रहे हैं किसान। नैनीताल में 120 गांव में जाकर शख्स ने लोगों को किया पर्यावरण के लिए जागरूक। 400 से अधिक स्कूल और कॉलेजों में भी पर्यावरण से जुड़ी जानकारी दी रहे। उनाव की बेटी ने जिले का नाम किया रोशन। अंडर 19 महिला क्रिकेट विश्व कप में साउथ अफ्रीका में इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में खेली अर्चना। फरीदाबाद के छोटे से गांव के रहने वाली 16 साल की सोनव यादव क्रिकेट अंडर 19 और वुमेन वर्ल्ड कप फाइनल में देश का प्रतिनिधित्व किया। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में पहली बार मिसेस इंडिया प्रतियोगिता का होगा आयोजन। देश भर से चयनित होकर महिलाएं इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लेंगे हिस्सा। झारखंड के आदिवासियों ने सोहराय महोत्सव का किया आयोजन। वाराणसी में संत रविदास के जन्मस्थली में 24 करोड़ की लागत से बनेगा भव्य म्यूजियम। लखीमपुर में
भीषण सड़क हादसे में मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल के मालदा में 12 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद, तस्कर गिरफ्तार। इंदौर में आग लगाने वाले आपत्तिजनक भाषण देने के मामले में 4 गिरफ्तार, फरार लोगों की तलाश जारी। अमरोहा में दबंगों ने पुलिस की मारपीट, करीब 12 अज्ञात दबंगों के खिलाफ कराए मुकदमा दर्ज। हरदोई में नाली के पानी को लेकर पड़ोसियों में चले लाठी डंडी पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।